देखते जा बहुत रहे हैं बहुत खराब माहौल बन रहा है सर नांदेड़ का। पुलिस प्रशासन ने पूरी सुरक्षा देने में नाकाम रह रही है, इसीलिए मैं कहता हूँ पुलिस प्रशासन को कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर नांदेड़ में शांति प्रदान करें। जिस तरीके से इसमें आरोपी भी बहुत सारे दिख रहे और खुलेआम जो तलवार बंदूक ले रही है, कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए तलवार बंदूक। पुलिस के पास एक बंदूक तो आरोपी के पास पांच पांच बंदूक निकल रही है। प्रशासन ने ध्यान देकर पूरा ध्यान देकर आरोपियों के पास से जब्त करके ये पूरे आरोपियों को पकड़ना चाहिए। कब हुई थी घटना, कैसी हुई थी, मालूम कैसा पड़ा तुम्हारा? ये हम तो मुंडे में थे साहब, हमको फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा सराफे में हमारे भतीजे को हुआ, एसओसीआई में उसको लेके गए, इसलिए हम वहाँ पे पहले गए, एसओसीआई में उसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, आप सिविल में लेके जाइए बॉस मैडम के लिए, फिर उधर लेके गए हम। मारने वाला का कोई पुरानी दुश्मनी या कुछ ऐसी? कुछ रंजिश नहीं है, कुछ दोपहर में ऐसा बाचा बाची हुई बोल के ऐसा मालूम पड़ा हमको भी, बस उसके बाद ये रंजिश में जिधर उधर होने के बाद ये इतनी बड़ी रंजिश निकाले उन्होंने। बाद प्लान था ऐसा लगता है कि तुम्हारा सोच समझा साजिश करके मारेगा कि हम क्या बोलेंगे साहब, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, पर मारने वाले जितने भी थे ये पूरा प्लान करके आए थे मारने के लिए। खुलेआम ऐसा गुंडागर्दी होगी, पुलिस का डर नहीं रहा है? डर नांदेड़ में, नांदेड़ के दक्षिण में तो पुलिस का डर रहा ही नहीं। आए दिन बंदूक पिस्तौल तलवार, आए दिन मर्डर होते जा रहा है सर। सागर बच्चा जो था उसकी शादी हुई थी? शादी नहीं हुई सर, परिवार में उसकी एक माँ है, पिताजी एक साल भर पहले गुजर गए, एक कुलता एक था वो भी गुजर गया अभी, अब उसके माँ का सहारा कौन बनेगा साहब। पुलिस प्रशासन ने उसके माँ को न्याय दिलाने के वास्ते जल्द से जल्द आरोपियों को कड़ी से कड़ी शिक्षा दी। पुलिस नाम का भय है कि नहीं किसी के भी दिल में नहीं रहा। नांदेड़ में इतने क्राइम हो रहे, इतने क्राइम हो रहे, खुले आम तलवार से गोलियों से बंदूकों से कोई भी मन में जिसको आया उसको मार दे रहा। पुलिस डिपार्टमेंट नांदेड़ शहर में क्या कर रहा यहाँ पर है कि नहीं, कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं, उनकी माता है बहन है, कितना आंसू बहा कर रो रहे हैं, इसका दर्द किससे बताए किसे समझाए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्द नांदेड़ शहर को सुरक्षा प्रदान करे पुलिस डिपार्टमेंट, ये मेरी है कि नहीं पुलिस डिपार्टमेंट से विनंती है। ना तो नांदेड़ में एक दिन ऐसा माहौल हो जाएगा, मुंबई से भी खतरनाक हो जाएगा, कोई किसी को गिनेगा नहीं, और जानवरों के यानी खुले आम तलवारों से गोलियों से हमला कर रहे, ये मेरी विनंती है पुलिस डिपार्टमेंट से जल्द यहाँ का क्राइम बंद करे, ये मेरी विनंती है। ये मेरा जो गुजर गया, ये मेरा भतीजा था, आज हमारे दिल पे क्या बीतरी ये किसी और माता है बहनों के ऊपर नहीं बीतना, इसलिए मेरी विनंती है जल्द से जल्द क्राइम करने वालों को अटैक करो और उनको उम्र कैद की सज़ा दो या फांसी दे दो, यहीं समाप्त कर दो, वरना ये हाल बहुत बुरा होएगा आगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान खान, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज़, और न्यूज़ के पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।